कुल्लू जिला मुख्यालय में बीते दिनों शमशान घाट पर दाह संस्कार को रोकने का मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। इस मामले में अब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। महासभा का कहना है कि दलितों ने स्वर्णों पर जो आरोप लगाए हैं वो तथ्यों से परे है, इसलिए इस मामले की उचित जाँच होनी चाहिए। कुल्लू जिला मुख्यालय में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एट्रोसिटी एक्ट के विरोध को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र राजपूत के साथ गांव के लोग भी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र राजपूत ने बताया कि एट्रोसिटी एक्ट की निष्पक्ष जाँच हो। उन्होंने कहा कि कुल्लू के धारा गांव में बीते दिनों शमशान घाट पर दाह संस्कार को रोकने के स्वर्णों पर गलत आरोप लगाए गए हैं, जबकि गांव में दलित और स्वर्णों के शमशान घाट अलग अलग है। उन्होंने कहा कि जो घटना घटी है और जो शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने मांग की है कि उपायुक्त स्वयं प्रशासनिक अधिकारियों, मीडिया, देवकारदार, पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर साथ लेकर चले और जांच की जाए। साथ ही इस दौरान शिकायतकर्ता और सभी दलितों को भी बुलाया जाए ताकि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उन्होंने कहा कि उपायुक्त ने इस मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय महासभा राष्ट्रपति से मांग करती है कि एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन किया जाए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से धारा ग्राम वासियों के साथ, स्वर्ण समाज के लोगों के साथ आज डीसी महोदय जी से मिले, और हमारा आज का मिलने का मुख्य कारण यह था कि हम डीसी महोदय जी के ध्यान में ये बातें लाएं कि वहाँ पर जो भी घटना घटी और जो शिकायतकर्ताओं के द्वारा आरोप लगाए गए वो टोटली जमीन और आसमान का फर्क है। तो हमारी आज यह मांग थी अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा महोदय जी से कि आप वहाँ मौके पर चले, प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर चले, मीडिया वाले भाइयों को लेकर चले, पुलिस प्रशासन को लेकर चले, देव कारदार संघ को लेकर चले, और मौके पर उन सभी शिकायतकर्ताओं को भी लाया जाए जिन्होंने शिकायत करी है, और सभी दलित भाई बहनों को भी लाया जाए और सभी स्वर्ण समाज के लोग भी हों। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।